हाय फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एंड नॉट एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं थ्री पेज इंडक्शन मोटर यानी कि लेसन नंबर वन, और इसमें हम लोगों ने पांच लेक्चर पढ़ चुके थे और आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर सिक्स है। और हम लोगों ने लेक्चर नंबर पाँच में पढ़ा था कि जो हमारा थ्री पेज इंडक्शन मोटर होता है उसमें जो है बल्ब को किस तरीके से जनरेट होता है, और उससे रिलेटेड जो कम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं ये चीज़ें भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको विभिन्न घटकों के अनुसार किन किन भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यानी एक तरह से कहा जाए तो टाइप ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग फिलहाल बस यही देखेंगे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, और इसके जितने भी क्लासिफिकेशन है इन सबको ये जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है कुछ मोटरें आपको ऐसी हैं जो आपको इस बुक में आगे पढ़नी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसके जो है कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। ये देखिए हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो देखिए जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है उसको विभिन्न घटक के आधार पे कई मतलब कई घटकों के आधार पे बांटा गया है। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को कई घटकों के आधार पे बांटा गया है और अलग अलग घटक के आधार पे उसके अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला ले लेते हैं, पहला घटक ये देखिए, पहला घटक है आपका प्रचालन के आधार पे यानी कि अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ठीक है, प्रचालन के आधार पे जो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो कितने टाइप का होता है। तो देखिए जो प्रचालन है, प्रचालन के आधार पे जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो मुख्य रूप से चार प्रकार का होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टाइप है। इसमें आपका फर्स्ट टाइप है साइक्रोनस मोटर आपका आता है इसमें, यानी कि तुल्यकालिक मोटर। तुल्यकालिक मोटर ये आपका पहला टाइप हो गया। ठीक है, तुल्यकालिक मोटर। सेकेंड टाइप आपका आता है अतुल्यकालिक मोटर, अतुल्यकालिक मोटर। ठीक है, अतुल्यकालिक मोटर आ गया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर पे इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर या इसको हम बोलते हैं प्रेरण मोटर। ठीक है, और चार नंबर पे आपका है दिक परिवर्तक मोटर, दिक परिवर्तक मोटर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन यानी कि प्रचालन के आधार पे जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है वो चार प्रकार का होता है। ठीक है, पहला आपका है तुल्यकालिक मोटर, सेकेंड नंबर पे है अतुल्यकालिक मोटर, और थर्ड नंबर पे है इंडक्शन मोटर यानी कि प्रेरण मोटर, और चार नंबर पे है परिवर्तक मोटर। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं सेकेंड टाइप। देखिए ये तो आपका है प्रचालन के आधार पे, उसके बाद जो सेकेंड टाइप है वो आपका है धारा के आधार पे। आप देखिए धारा यानी अकॉर्डिंग टू करंट, तो अकॉर्डिंग टू करंट के आधार पे जो हमारे थ्री फेज इंडक्शन मोटर होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है और एक आपका जो होता है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है। ठीक है, यहाँ देखिए ये आपके इंडक्शन मोटर के टाइप्स हैं। इंडक्शन मोटर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है, इंडक्शन मोटर के टाइप है आपके यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड हो गया धारा के आधार पे, धारा के आधार पे कितने टाइप हो जाएंगे, दो टाइप हो जाएंगे। एक आपका हो जाएगा सिंगल फेज, सिंगल फेज, और सेकेंड नंबर पे आपका हो जाएगा थ्री फेज।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगल फेज और थ्री फेज, दो टाइप के आपके होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगले नंबर पे देखते हैं, यानी कि थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर है हमारा स्पीड, ठीक है। तो स्पीड के आधार पे देखते हैं, आप देखिए यहाँ पे स्पीड यानी कि गति, तो गति के आधार पे जो हमारा इंडक्शन मोटर होता है वो आपका होता है तीन टाइप का, तीन टाइप का, ठीक है। आप कौन कौन से होते हैं तो ये देखिए, पहला जो गति होता है वो क्या होता है, स्थिर गति मोटर। ठीक है, स्थिर गति आपके मोटर, स्थिर गति मोटर हो गया। और सेकेंड नंबर पे है, अगर आपकी गति जो है वेरिएबल है, यानी कि परिवर्तित होती रहती है, स्थिर का मतलब ऐसा होता है कांस्टेंट, यानी कि उसका स्पीड जो है बदले ना, यानी कि इसके अंतर्गत आपकी साइक्रोनस मोटर आ जाएंगे, ठीक है। और एक आपका होता है वेरिएबल, यानी कि परिवर्तनशील, जिसका जो गति है बार बार परिवर्तित होती रहे। तो ये जो मोटर आपका है इसमें आ जाएगा परिवर्तनशील मोटर, परिवर्तनशील गति मोटर, ठीक है। और थर्ड नंबर पे है आपका सामंजस्यशील, सामंजस्यशील मोटर, ठीक है। यानी कि स्पीड के आधार पे जो आपका मोटर है वो तीन टाइप के होते हैं। पहला जो है आपका स्थिर गति मोटर, सेकेंड नंबर पे परिवर्तनशील गति मोटर, और चार नंबर पे जो है समंजसशील नहीं बल्कि सामंजस्यशील होता है, ठीक है। सामंजस्यशील, सामंजस्यशील मतलब एक तरह से कंट्रोल, जिसकी गति को हम क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सामंजस्यशील मोटर, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं चार नंबर पे, संरचना के आधार पे, यहाँ पे देखिए संरचना के आधार पे। तो संरचना के आधार पे कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट टाइप में पहला नंबर है बंद मोटर, और सेकेंड नंबर पे है आपका खुला मोटर, और थर्ड नंबर पे है आपका अर्ध खुला मोटर, ठीक है। और चार नंबर पे है आपका समवर्ती मोटर, समवर्ती मोटर, और उसके बाद पांच नंबर पे है पाई समवर्ती मोटर, समवर्ती मोटर, ठीक है। और आपका छह नंबर पे है रिवेटेड फ्रेम आई प्रारूपी देखिए, यहाँ पे आपका हो गया कि क्लासिफिकेशन, आप जो इंडक्शन मोटर होते हैं, ठीक है, और उनके टाइप कौन कौन से होते हैं। तो विभिन्न घटकों के आधार पे हम लोगों ने देखा कि जो इंडक्शन मोटर होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है। या इसी को हम प्रत्यावर्ती धारा मोटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा मोटर कितने टाइप के होते हैं, विभिन्न घटकों के आधार पर उसका वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो गया कि प्रत्यावर्ती धारा को जो हमने चार चार घटकों के आधार पर बांटा था, जिसमें जो आपका पहला घटक था वो प्रचालन के आधार पे था। तो प्रचालन के आधार पे मोटर आपके चार टाइप के होते हैं, पहला जो है साइक्रोनस मोटर, दूसरा असाइक्रोनस मोटर, तीसरा जो है आपका दिक परिवर्तन मोटर, और चार नंबर पे जो है आपका इंडक्शन मोटर, ठीक है। सीरियल थोड़ा उल्टा हो जा रहा है लेकिन फिर भी इधर उधर आप कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साइक्रोनस, असाइक्रोनस, इंडक्शन और दिक परिवर्तन, ये चार टाइप के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर धारा के आधार पर देखा जाए, तो धारा के आधार पर इंडक्शन या फिर प्रत्यावर्ती धारा जो मोटर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक आपका सिंगल फेज मोटर होता है और एक आपका जो होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तीसरे नंबर पे स्पीड के आधार पे, तो स्पीड के आधार पे तीन टाइप के होते हैं,
आपका पहला जो आपका स्थिर गति मोटर और सेकेंड नंबर पे परिवर्तनशील गति मोटर और आपका जो थर्ड नंबर है वो आपका संबंधनशील गति मोटर, ठीक है। उसके बाद संरचना के आधार पे आप देख रहे हैं 6 टाइप का है। पहला है बंद मोटर, खुला मोटर और अर्ध खुला मोटर। बंद का मतलब ऐसा होता है जैसे कि मतलब मोटर होता है उसके ऊपर खोल होता है, तो उस खोल में मोटर पूरी तरीके से बंद होता है, तो इसलिए उसको बंद मोटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये सबसे आपका लास्ट चैप्टर में है जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक ड्राइव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव में जो है आपको इस तरह के मोटर्स के बारे में पढ़ना है, बस थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन है कि बंद मोटर होता क्या, और बाकी उसके विस्तार के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बंद मोटर क्या होता है, और उसके बाद खुला मोटर, ये सेकेंड टाइप है, और थर्ड टाइप है अर्ध खुला मोटर, और 4 नंबर पे है संवातित मोटर, 5 नंबर पे है पाइप संवातित मोटर, और 6 नंबर पे है रिवेटेड फ्रेम हाई प्रारूपी मोटर, ठीक है। तो ये तो था कि जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा मोटर होता है या फिर जो इंडक्शन मोटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि उनके मतलब अलग अलग क्लासिफिकेशन के आधार पर उनके कौन कौन से टाइप है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलेंगे हम लोग अगले यानी कि अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और आप लोग चैनल के साथ जुड़ते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और फिलहाल बेल आइकन पे आप लोग क्लिक कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ तो वो आपके पास एक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए, ठीक है। फिलहाल ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप इसको तैयार करते रहिए क्योंकि आगे चल के आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आप इसको सही तरीके से पढ़ लेते हैं।